हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ परवीन यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी एंड बीसीए डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेम स्पेस फ्रॉम द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट। सो नेम स्पेस आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर भी किया है। क्यों हम क्यों यूज करते हैं नेम स्पेस को? बेसिकली जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हो जाती हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक बिग आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस बनती हैं। फिर हर एक क्लास का कोई ना कोई अपना एक रोल होता है, तो उस रोल में जब उसको हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नेम स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं, पर्टिकुलरली नेम स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं, सो डेट उस नेम स्पेस के थ्रू हम क्लास को एक्सेस कर सकें। तो नेम स्पेस आर यूज्ड इन सी शार्प टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड अ लेवल ऑफ सेपरेशन ऑफ कोड्स। यहाँ पे बेसिकली नेम स्पेस आपके पास क्या क्या अपने पास रखता है, दैट इज क्लासेस, इंटरफेस, देन आपके स्ट्रक्चर्स, डेलीगेट्स। सी शार्प के अंदर हमारे पास जो नेम स्पेस है वो कोई मैंडेटरी फंक्शन नहीं है, और हम लोग यूज करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। अगर हमारे पास एक नेम स्पेस होगा, उसके अंदर हमने क्लासेस बना रखे हैं, इंटरफेस बना रखे हैं, उसके अंदर हमने मेथड्स डिक्लेयर किए हुए हैं, तो हम उस नेम स्पेस के थ्रू उस क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे नेम स्पेस के बारे में ही क्या कुछ है। तो कंसेप्ट हमारे पास बेसिकली ये है कि वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन आवर कंप्यूटर। हमारे पास बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के अंदर। अदरवाइज हम बात करें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ क्लासेस है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आपको उस पर्टिकुलर क्लास के बारे में पहुंचने के लिए तो नंबर ऑफ क्लासेस नेम भी मिसमैच होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लास को एक नेम स्पेस में डाल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपके फाइल एंड फोल्डर से रिलेटेड भी है। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड टू मैनेज देम इफ दे आर प्लेस्ड इन अ सिंगल डायरेक्टरी। अगर एक डायरेक्टरी के अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स, सभी एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि बीसीए सिक्स सेमेस्टर में जितने भी बच्चे हैं और उनके साथ बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हुआ, अगर उन्हीं सभी बच्चों का सभी बच्चों की फाइल्स हम अगर एक ही फोल्डर में डाल दें, दैट इज एस ए आई टी एम 2020 फोल्डर में अगर हमने उन्होंने डाल दिया वो डाटा, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि एक ही फाइल में सभी डाटा आ गया, बीबीए बी बीसीए बी बीटेक की सारी ब्रांचेस का डाटा, तो वहाँ पे सर्च करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं और अलग अलग डायरेक्टरी में वो चीजें रखते हैं, लाइक बीसीए का अलग बना दिया, बीबीए का अलग बना दिया, सीएससी का अलग बना दिया, ईटीसी का अलग बना दिया। तो इस तरीके से अलग अलग फोल्डर बना के और उन फोल्डर से हम लोग डाटा को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पे। तो वैसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पे नेम स्पेस भी है, नेम स्पेस में भी ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो कि हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज द डिफरेंट मेंबर्स बाय पुटिंग रिलेटेड मेंबर्स इन द सेम नेम स्पेस, सो डेट की नेमिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमने बात की कि क्लास नेम में या इस टाइप का कोई नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आपका ना हो। हो सकता है कि क्लास में आपका नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो लेकिन उसके मेथड्स के नेम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इस टाइप का इश्यू कोई क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स जो आपके पास सामने है वो होगा आपका नेम स्पेस, नेम स्पेस नेम और उसके बाद उसकी कंप्लीट बॉडी। अब यहाँ पे आपके पास नेम स्पेस के अंदर आपकी क्लास भी हो सकते हैं, डेलीगेट्स भी हो सकते हैं, इंटरफेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है नेम स्पेस का नेम, देन क्लास माई क्लास, और माई क्लास का एक मेथड दैट इज माई मेथड। अब यहाँ पे ये सिंगल एक क्लास है, ये वाला जो आपके पास है ये एक सिंगल एक क्लास है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना बड़ा इश्यू है नहीं हमें नेम स्पेस बनाने का। बट अगर ऐसे ही नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे हों, अलग अलग क्लासेस हमारे पास हो और अलग अलग मेथड हमारे पास हो, तो वहाँ पे हमें नेम स्पेस बनाना पड़ेगा, सो डेट हम जो नेम स्पेस हमने बनाया उस नेम स्पेस के थ्रू हम उस क्लास को और उस क्लास के थ्रू हम उस मेथड को एक्सेस कर सकें। तो ऐसा यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि इन एग्जाम्पल में एक नेम स्पेस है जिसका कि नाम है माई नेम स्पेस, उसके अंदर एक क्लास है जिसका कि हमने नाम दिया हुआ माई क्लास, और उसके अंदर एक मेथड है जिसका कि नाम हमने दिया हुआ माई मेथड। अब यहाँ पे मेंबर्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं नेम स्पेस के थ्रू सी शार्प के अंदर, वो क्या है आपका नेम स्पेस डॉट मेंबर नेम। जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नेम स्पेस डॉट माई क्लास और फिर आपका क्लास का ऑब्जेक्ट, देन आपका न्यू माई स्पेस डॉट माई क्लास। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे है जैसे कि एक यूजिंग सिस्टम, एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें तो आपके सामने यूजिंग सिस्टम, तो सिस्टम हमारे पास एक नेम स्पेस है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे कंपाइलर में, सी शार्प कंपाइलर में सिस्टम एक नेम स्पेस है,
ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन सी क्लासेस है, कंसोल है, और उसके अंदर कौन सा मेथड है, राइट लाइन डॉट, राइट लाइन आपका मेथड है। इसी तरीके से आपने जो एक नेम स्पेस बनाया है वो नेम स्पेस बना दिया माई नेम स्पेस के नाम से। क्लास जो आपने बनाई है वो सैम्पल क्लास के नाम से बना दी, और उसके अंदर जो आपने मेथड बनाया है वो बना दिया माई मेथड के नाम से। अब हमने एक और, यहाँ पे आपके पास मेन मेथड नहीं है अभी, आपने देखा कि ये जो मेथड है ये इस क्लास का मेथड है ना कि मेन मेथड है, तो हमने क्या किया कि एक और नेम स्पेस बनाया, उसके अंदर एक और क्लास बनाई और उसमें हमने मेन मेथड को कॉल किया। इस मेन मेथड में हमने क्या किया है कि जो मेन स्पेस, जो नेम स्पेस हमने ऊपर बनाया हुआ है दैट इज दिस वन, दिस वन, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि माई नेम स्पेस डॉट सैम्पल क्लास डॉट माई मेथड, हमने क्या किया कि डायरेक्ट मेथड को कॉल करा लिया अपने दूसरे नेम स्पेस में जिसके अंदर एक और क्लास है, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने जो मेरा फर्स्ट मेन नेम स्पेस है उस नेम स्पेस को उसकी क्लास डॉट उसका मेथड उसको हमने कॉल करा लिया। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा क्रिएटिंग माई नेम स्पेस आपका आउटपुट जनरेट होगा, वही कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन नेम स्पेस दिस एंड एक्सेस इट्स मेंबर फ्रॉम मेन मेथड इनसाइड माई क्लास, द डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ नेम स्पेस इन द मेन मेथड, माई मेथड इज कॉल्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने जो बात की कि यूजिंग नेम स्पेस नेम, ये जो यूजिंग सिस्टम का, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेम स्पेस है मेरा कंपाइलर के अंदर, उस ये जो सिस्टम का हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है कि अगर हमने ये यूज कर लिया यूजिंग सिस्टम यूज कर लिया, तो अब आप कंसोल डॉट राइट लाइन कहीं भी लिखोगे नीचे तो आपको वो बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पे आप उसको सिस्टम डॉट कंसोल राइट लाइन, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, तो इस तरीके से बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने यूजिंग सिस्टम को ऊपर कॉल करा लिया और उसके अंदर जो क्लास है आपकी कंसोल उसको आपने नीचे कॉल करा लिया, और इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट बना दी कंसोल डॉट राइट लाइन, जबकि जो रियल स्टेटमेंट है हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। मीन्स ये आपका है फुली क्वालिफाइड नेम, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि उसको कंप्लीटली यूज ना करके हमने यूजिंग सिस्टम ऊपर यूज किया हुआ है, तो इस तरीके से हमारे पास नेम स्पेस बेनिफिशियल है अगर हम लोग यूज करते हैं नेम स्पेस को। तो जिसका कि एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ये वाला है कि हमने एक सिस्टम, आपके पास नेम स्पेस है उसको हमने यूज कर लिया, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस होगी अब मैं उसको अपने प्रोग्राम में चाहे कितनी बार भी यूज करूँ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, अदरवाइज मुझे हर टाइम पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड की, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड, दैट मीन्स कि जितने भी ये फंक्शंस हमने यूज किए इनमें सभी में हमें सिस्टम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम इस तरीके से यूज करते तो हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन और बाकी के फंक्शन जिस तरीके से उसी तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेस्टेड नेम स्पेस भी हमारे पास, कि एक नेम स्पेस के अंदर सेकेंड नेम स्पेस को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है, नेम स्पेस देन नेम स्पेस का नाम, उसके अंदर फिर नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम, देन जो भी बॉडी है उसकी वो बॉडी। यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो किया हुआ है कि यूजिंग सिस्टम हमने किया, एक नेम स्पेस बना दिया, देन उसके अंदर नेस्टेड नेम स्पेस हमने यहाँ पे बना दिया नेम स्पेस नेस्टेड के नाम से, और क्लास हमने बना दी सैम्पल क्लास। अब मुझे माई मेथड को कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे, माई नेम स्पेस डॉट नेस्टेड डॉट सैम्पल क्लास डॉट माई मेथड, आपका आउटपुट आ जाएगा नेस्टेड नेम स्पेस एग्जाम्पल। ये देखो कि हमने क्या किया, एक और नेम स्पेस बना दिया, उस नेम स्पेस के अंदर हमने एक और क्लास बनाई और मेन फंक्शन यहाँ पे ले लिया, तो हमारा जो नेम स्पेस फर्स्ट था माई नेम स्पेस देन नेस्टेड देन सैंपल क्लास, माई नेम स्पेस देन नेस्टेड देन सैंपल क्लास देन जो भी मेथड का नाम है वो, तो अब आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा नेस्टेड नेम स्पेस एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये है आपका बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक दैट इज नेम स्पेस, नेम स्पेस हम लोग क्यों यूज करते हैं ये हमने इसके अंदर डिस्क्राइब कर दिया, और जो एक मेन एग्जांपल है वो हम यहाँ पे इसका ये रहा एक आपका मेन एग्जांपल, इसको आप मेन एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हो कि यहाँ पे हमें फुली क्वालिफाइड नेम का यूज नहीं करना पड़ता, अदरवाइज हमें फुली क्वालिफाइड नेम को यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें बार बार अपने सिंटेक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, बेसिकली ये आपका अगर बात करें तो WD जो कि आपने BCA फोर्थ सेम में पढ़ा है उसके अंदर है कि वेब डेवलपमेंट का हमें क्यों यूज करते हैं, क्या क्या चीजें वहाँ पे रिक्वायर्ड थी, स्टार्टिंग में कब इंटरनेट यूज हुआ, तो बेसिकली इंटरनेट जब स्टार्टिंग में यूज हुआ था तो वो था 1960s में,
और वो जस्ट एन एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया गया था वहां पे। जो बेसिकली उसका जो उस टाइम पे जब यूज किया गया था, तो वहां पे सिर्फ एक इतना इसलिए यूज किया गया था सो डेट कि डाटा हम एक जो इंफॉर्मेशन हम लोग सेंड कर रहे हैं नेटवर्क पर वो इजीली हो जाए इंटरनेट पे, और जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए और डिफेंस पर्पस के लिए उस टाइम पे यूज किया गया था भाई यूएस डिफेंस। धीरे धीरे अपडेशन होती हुई धीरे धीरे अपडेशन होती रही वहां पर इंटरनेट के केस में, और आज आप देख रहे हो कि टोटल वर्ल्ड जो है वो टोटल वर्ल्ड हमारा इंटरनेट पर ही डिपेंड है। तो इन बिटवीन 1960s में हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ, 1990s में हमारे पास मोडम्स आए, दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो कि ऑलरेडी जो हमारे पास फोन लाइन्स थी उन पर हम डायरेक्ट उसको इंटरनेट को यूज कर सकते थे। तो धीरे धीरे वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होना स्टार्ट हुआ, जो ऑलरेडी हमारे पास फोन लाइन्स थी उन पर इंटरनेट यूज होना स्टार्ट हुआ, दैट इज लैंडलाइन में जो कि डिमोडुलेटर मॉडम वगैरह यूज करके किया हमने। देन 1993 में एक मेजर चेंज आया, दैट इज HTML। HTML से एक जो फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट हुई HTML से रिलेटेड, वहां से इंटरनेट ने अपना स्पीड अप हुआ था, कह सकते हैं कि इंटरनेट वहां से ज्यादा डिमांड में हमारे पास आया। तो HTML आप लोगों को सभी को पता है कि HTML क्या है, HTML के अंदर फॉर्म्स क्या है, जितने भी टैग्स हैं वो सारे आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में, HTTPS के बारे में, और उसके बाद फॉर्म्स में आपके इनपुट टाइप बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, इन रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, इस टाइप से आप जितना भी लिख सकते हो HTML के बारे में वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बेसिकली दो चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक क्लाइंट मशीन होगी जिस मशीन से हम लोग कोई भी यूआरएल को वहां पे हिट कर रहे होंगे, और एक सर्वर मशीन होगी जहां से वो जो रिक्वेस्ट गई है उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे जब इस बीच में हमारे पास जब सर्वर साइड एप्लीकेशंस और क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस यूज होना स्टार्ट हुई, तो क्लाइंट साइड में बेसिकली आप लोगों ने लैंग्वेज भी पढ़ी है क्लाइंट साइड से रिलेटेड, दैट इज आपकी जावा जावास्क्रिप्ट है, फ्लैश है आपके पास, जावा है, एक्टिव एक्स है। तो ये इस टाइप की लैंग्वेज है जो कि हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेजेज है। इनका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हम लोग जब कोई भी रिक्वेस्ट अपने सर्वर के पास सेंड करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हमारी जो क्लाइंट साइड की मशीनें हैं वो उस रिक्वेस्ट को बार बार ना सेंड करके हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि क्लाइंट मशीन पर ही क्लाइंट लैंग्वेजेस के थ्रू जो डाटा हमें मिलता है हम उस डाटा को एक्सेस कर लेते हैं, सो डेट कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो फास्टली रन हो, फास्टली डाउनलोड हो क्लाइंट मशीन पे, और वो डाउनलोड हो तो वो फास्टली एग्जीक्यूट भी हो। बेसिकली जब हम लोग क्लाइंट क्लाइंट टेक्नोलॉजीज या जितने भी आपके पास जो भी लैंग्वेजेस हमने यूज किए हैं इनका जब हम लोग यूज करते हैं, तो होता क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो क्लाइंट सिस्टम पे, तो वो सर्वर साइड पे जाके वहां से वो क्लाइंट एप्लीकेशन को कम्प्लीटली अपने क्लाइंट लोकल मशीन पे ये लैंग्वेजेस के थ्रू डाउनलोड हो जाती है, और फिर उस एप्लीकेशन को हम लोग इजीली यूज कर लेते हैं। यहीं पे बात आती है फिर सर्वर साइड की, क्योंकि क्लाइंट ने कोई ना कोई रिक्वेस्ट सेंड की है तो वो किसी ना किसी सर्वर के पास जाएगी। अब सर्वर के पास जाएगी तो हो सकता है कि वो डाटाबेस के पास भी जाएगी, हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जिसके डाटाबेस की रिक्वायरमेंट हो सकता है कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जिसमें आपको डाटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट वहां से आ जाएगी। मतलब ये रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट ये वर्क कैसे करती है, तो उस स्टार्टिंग में एक चीज था हमारे पास कंसेप्ट था, दैट इज CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास क्लाइंट साइड से मेरे सर्वर पर आती थी, तो यहाँ पे मेरा जो CGI है वो क्या करता था, हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेस करता था, हर एक रिक्वेस्ट का एक्सेस देता था वहां पे वो। और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट क्या होने लगी कि जब हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होने लगी हमारे पास, तो वहां पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ऑथेंटिकेशन यूजर की ऑथेंटिकेशन का बढ़िया हमारे पास, और कुछ कुछ साइट्स जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे एक्सटेंड हुआ। उसके बाद आपके पास डाटा भी, अगर मान लो कोई डाटा आपको एक्सेस करना, लाइक फ्लिपकार्ट के लिए अगर हम लोग बात करें, आपको कोई पर्टिकुलर फोन अगर सर्च कर रहे हो तो वहां पे आप कोई ना कोई फिल्टरिंग प्रोसेस लगा रहे हो तो वो डाटा वहां से रिट्रीव करती है। तो जब इस टाइप की एप्लीकेशंस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा यूज होने स्टार्ट हुई, जो हमने बात की है कि यूजर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोरिंग से रिलेटेड, उसके बाद आपका डाटाबेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया आपका, या एक
टेक्नोलॉजी आई जिसको हम बोलते हैं एएसपी, एक्टिव सर्वर पेजेस या ASP.NET। फिर जब ये दोनों टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज ने जो CDI के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी लैंग्वेजेस ने सिक्योरिटी से रिलेटेड वहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड किया कराए हुए हैं, डाटाबेस कनेक्टिविटी वहाँ पे बढ़ गई है, डाटाबेस के अंदर डाटा काफी सारा स्टोर होना स्टार्ट हो गया, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम CGI हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो उसकी जगह हम लोगों ने ASP.NET को यूज किया। तो ASP.NET बेसिकली हमें एक डेवलपर को, एक प्रोग्रामर को अलाउ करती है डायनेमिकली वर्क करने के लिए, जो कि डायनेमिकली जो आपके वेब पेजेस हैं उनको वर्क करने के लिए, सो डेट कि वो इजीली वहां पर कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो ये आपका टोटल सिनेरियो है, इवोल्यूशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, किस तरीके से हमारे पास वेब डेवलपमेंट यूज हुआ, कहाँ से हम लोगों ने इसको यूज किया और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्यों हमने इस चीज़ को यूज किया, किसने पहले यूज किया, 1960s में इंटरनेट यूज हुआ, 1990s में मॉडम्स डेवलप हुए, देन हमारे पास 1993 में HTML के थ्रू फर्स्ट वेब पेज डेवलप हुआ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे सिनेरियो में आई। और जब फर्स्ट वेब पेज डेवलप हुआ तो क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन का रोल इस बीच में आया, और सर्वर साइड पे स्टार्टिंग में कॉमन गेटवे इंटरफेस के थ्रू डाटा हम लोग एक्सेस किया करते थे, और अब लोग हम लोगों जो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं ASP.NET हो गई है, और आपकी जो भी करंट सिनेरियो में नई सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे यूज करते हैं अभी करंट में एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए। तो ये आपका हुआ यूनिट नंबर 1 से नेम स्पेस एंड आपका इवोल्यूशन ऑफ वेब डेवलपमेंट।